आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। नाबालिग बेटी के दुष्कर्म के आरोपित दिलशाद हुसैन की रिटायर्ड फौजी पिता भागवत निषाद ने दीवानी गेट पर गोली मारकर की हत्या, पिस्टल सहित खुद को किया सरेंडर। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने हंगामा कर रहे अधिवक्ताओं को कराया शांत, शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। छात्र व छात्राओं को शत प्रतिशत टीकाकरण कराने के लिए जिलाधिकारी ने जनपद के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, स्वास्थ्य विभाग के साथ की बैठक। 26 जनवरी तक सभी छात्रों का टीकाकरण करने का स्वास्थ्य विभाग व प्रधानाचार्यों को दिया लक्ष्य। एक शातिर लुटेरे को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूट का 3 मोबाइल किया बरामद, एसपी सिटी सोनम कुमार ने किया खुलासा। सहारनपुर में 2014 में गुरुद्वारा पर हमले तथा दुकानों में आग लगाने के आरोपी मुहर्रम अली उर्फ पप्पू को सपा का सदस्य बनने पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परमिंदर सिंह ने की घोर निंदा। राजनीतिक दलों से की अपील, कहा ऐसे अपराधियों को अपने पार्टी में लेने से बचे सभी, सिख समाज समय आने पर देगा बेहतर जवाब। चौबीस जनवरी से जनपद में घर घर चलेगा विशेष दस्तक अभियान, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। दो 2022 विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद में 138 मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण एनेक्सी भवन के सभागार में हुआ संपन्न। ईवीएम मशीन के संचालन सहित मतदान प्रक्रिया की दी गई विस्तृत जानकारी। यही प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर 24 जनवरी से जुबली इंटर कॉलेज में 10 दिन तक सभी मतदान कार्मिकों को देंगे ट्रेनिंग। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 332 केंद्रों पर 25,247 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 11,596 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 12,971 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा जनपद में ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कराने के लिए लोगों को किया जा रहा है प्रेरित, लगाए मास्क, करे कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। गोरखपुर में शुक्रवार को पाए गए 476 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में घट रही है एक्टिव केस की संख्या, अब एक्टिव केस की संख्या हुई 2,305। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। अवैध असलहे, 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी सोनम कुमार ने किया खुलासा। और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह मीडिया से हुए रूबरू, कहा गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों की शहादत दिवस को प्रदेश व केंद्र सरकार ने घोषित कराया वीर बाल दिवस, दिया 18 बार गुरुद्वारा जाकर सिख समाज को सम्मान।